ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल जी, क्या हुआ ये? इसमें फाल जुआ कहीं पीछे तारों में और उसकी आ गई आगे। तो क्या तार टूट के नीचे गिरा गया? तार ही टूट गिरी है, इस पार्किंग हुई गई। अच्छा, जैसे ढीले तार हैं। अठारह बीघे जमीन है, पूरी की पूरी खत्म होगी। आपकी 18 है? दोनों भाइयों की है। बाकी मैं देख रहा हूँ काफी दूर तक जले हुए हैं। बहुत कितना रकबा होगा ये आपके नजर? ये होगा 50-60 बीघे जमीन होगी। 200-250 नहीं, जहाँ आग लगी हुई। अच्छा, इसके अलावा जैसे गांव के नजदीक है, कुछ गांव में भी नुकसान हुआ है? गांव में बहुत नुकसान हुआ। भैंसे भी, दो भैंसे भी जली। आग पे काबू गांव वाले साथ लगे, कुछ ट्रैक्टर फिरा खड़ी फसल में, जब जाकर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड का क्या स्थिति? फायर ब्रिगेड अब तक भी नहीं आई, पहुंची है खेत में, यहाँ तक अब तक भी नहीं आई, बाहर खड़ी है। हाँ जी, जी ये गांव आसन वाली में आज आग लगने की जैसे ही सूचना मिली है, तुरंत फायर ब्रिगेड भेजा गया मौके पे। हम लोग खुद मौके पे आए हैं, हम और हमारे तहसीलदार साहब, बिजली विभाग से SDO हैं। नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। नुकसान फसल का दिखाई दे रहा, गेहूं की कटी हुई फसल बताई गई है, जो कटी हुई फसल खेतों में पड़ी थी वो जली है, कुछ खड़ी फसल जली है। गांव के जो नजदीकी एक मकान है उस तक भी आग पहुंच गई थी, तो सारा भी आकलन कराया जा रहा है। टीम है हमारी, विद्युत विभाग की भी, रेवेन्यू की टीम यही मौके पे है। सर्वे जैसे ही पूरा हो जाएगा तो मुआवजे की प्रोसेस शुरू की जाएगी। ठीक है, ये है RJ मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। We'll be right back.